इमेजिन करो आप एक मेटावर्स में घोड़ों की रेस के ऊपर बेटिंग कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, कमा रहे हो, अपना घोड़ा खरीद रहे हो, रेंट आउट कर रहे हो, फिर रेसेस लग रही है उन सारे घोड़ों की। तो ये सारी चीज है इस गेम के अंदर। एनएफटी क्रिप्टो रिलेटेड गेम्स इस समय बूम पे हैं। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी डाली थी एक्सी इन्फिनिटी को लेकर, नहीं देखी हो तो आप जाके देख लेना। वेस्ट में जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वो इंडिया आते आते कम से कम 8-10 महीने एक साल लग जाता है, तब तक पूरी मलाई उतर चुकी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ऐसे नए नए जो प्रोजेक्ट्स या जो एनएफटी क्रिप्टो इस तरीके से रिलेटेड जो नए चीजें निकल के आ रही हमारी इकोनॉमीज में उनको एक्सप्लोर किया जाए। तो आज एक और गेम ऐसा एक लेके आया हूं आपके लिए, जो इसको एक चेकआउट करते हैं कि क्या गेम है, कैसी सारी चीजें काम कर रही हैं, लोग कितना अंधा पैसा छापते हैं इस वाले गेम से, और क्या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हम रिस्क ले सकते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पेगैक्सी और दो घोड़े भागते हुए दिख रहे हैं। अब पेगैक्सी जो नाम है ये पेगासस से आया है, और पेगासस क्या है, ये एक मिस्टिकल घोड़ा है ग्रीक माइथोलॉजी में जिसके पर निकले हुए हैं, तो ये यहां से डिराइव हुआ नेम। कोई भी क्रिप्टो रिलेटेड गेम अगर आप देख रहे हो ना, तो दो चीजें आपको सबसे पहले देखनी है उस गेम को जज करने के लिए। सबसे पहली चीज होती है टोकनॉमिक्स, ये वर्ड आपको ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, और दूसरी चीज होती है व्हाइट पेपर। अगर हम टोकनॉमिक्स पे जाएंगे तो हमको बेसिकली ऐसे क्रिप्टो कॉइंस के बारे में बताएगा जो उस क्रिप्टो गेम को अंदर रन कर रहे हैं या उसके अंदर यूज हो रहे हैं। बेसिकली ये जो क्रिप्टो कॉइंस है ना, ये सेपरेटली नहीं बने हुए, इन गेम के डेवलपर्स ने ही बनाए हुए होते हैं, और उसको समझाया जाता है कि कौन सा कॉइन किस पर्पस का है, बर्न रेशो क्या है, क्योंकि हर कॉइन की एक बर्न रेशो होती है। तो यहां पे अगर आप देखो तो दो कॉइंस के नाम लिखे हुए हैं, एक PGX और एक VIS, VIS। तो यहां पे दोनों ही चीजें पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर हैं, टोकन का नाम दिया हुआ है पेगैक्सी और विग्रस, सिंबल्स बताए हुए हैं। अब यहाँ पे यूज केसेस देखो, यहाँ पे बताया हुआ है गवर्नेंस और दूसरी चीज है यूटिलिटी। अब गेम के अंदर क्या होता है, दो चीजें हो गई। गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे हो गया कि अगर आप कुछ मोटा ट्रेड कर रहे हो, अगर आप कोई NFT खरीद रहे हो, NFT बेच रहे हो, अगर आप NFT रेंट आउट कर रहे हो, तो ये जो मोटे मोटे काम हो गए ना, ये होंगे इस वाले कॉइन से जिसका नाम है PGX। और दूसरी चीज है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब हो गया कि जो सारे रिवॉर्ड्स होंगे आपको गेम के अंदर जो मिलेंगे, आप जीतोगे तो आपके कॉइन्स जो आपको मिलेंगे वो आपको इस वाली फॉर्म में यानी VIS वाली क्रिप्टो करेंसी के अंदर मिलेंगे। अब इस थ्योरी को हटाते हैं, गेम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे प्ले नाउ का बटन है, आप अगर प्ले नाउ पे जाओगे तो सीधा गेम खुल जाएगा, और कुछ इस तरीके का ये पूरा सिस्टम सा आ जाएगा। काफी सारे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, मैं एक बेसिक पहले गेम का ओवरऑल बता देता हूँ कि है क्या। ये घोड़ों का गेम है, घोड़ों की रेस का गेम है। इमेजिन करो आप एक मेटावर्स में घोड़ों की रेस के ऊपर बेटिंग कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, कमा रहे हो, अपना घोड़ा खरीद रहे हो, रेंट आउट कर रहे हो, फिर रेसेस लग रही है उन सारे घोड़ों की। तो ये सारी चीज है इस गेम के अंदर। और इस गेम में भी एज यूजुअल साइन इन करने के लिए आपको सिर्फ एक मेटामास्क वॉलेट चाहिए और कुछ भी नहीं। तो आप मेटामास्क वॉलेट से मैं यहाँ पे साइन इन हूँ। सबसे पहली चीज है यहाँ पे मार्केट प्लेस। अगर आप मार्केट प्लेस पे देखो तो ये सारे घोड़े यहाँ पे प्राइस दिए हुए हैं। USDT है एक्चुअल में 2000 USDT, मतलब कि 1,40,000 रुपए का एक घोड़ा जो कि NFT की फॉर्म में है वो यहां पे बिक रहा है। अब मैं आपको एक एक्चुअल बात बताता हूँ, ये वीडियो ना मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम शूट हुई थी वो मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया था, और ये कम से कम एक हफ्ते पहले की बात है। तो उस टाइम पे जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब इसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 1100 USDT, मतलब कि 80,000 रुपए के आसपास का जो चीज थी एक हफ्ते पहले, वो आज 1,40,000 रुपए की फ्लोर प्राइस हो गई है। इससे कम में आपको मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे ना इन सब घोड़ों को प्यार से पेगा बोला जाता है, पेगाज, तो यहाँ पे पेगासस का शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप जिस पे भी क्लिक करोगे तो अंदर आपको सारे स्टैट्स मिल जाएंगे कि इसकी स्पीड कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, लाइटिंग कितनी है। लेकिन अभी के लिए ये गेम सिर्फ एक रेसिंग गेम बना हुआ है जो आगे जाके और डेवलपमेंट में जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो विन परसेंट दिया हुआ है कि 27.97% का विन रेशो है अभी तक का घोड़े का, जितनी रेसेस इसने खेली हैं। तो रेसिंग हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हो कि कितनी रेसेस हैं, क्या क्या सिस्टम है, और रेंटिंग अगर किसी हुई है तो कितनी हुई है, क्या हुई है, सेल की हिस्ट्री चेक कर सकते हो। सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती हैं, कोई भी पर्दे के पीछे वाली बात नहीं है। अब इसको पहले ना रेस देखते हैं कि पहले रेस है क्या, उसके बाद हमको आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो ये अगर आप रेसिंग में जाओगे तो ये लाइव रेसेस अभी चल रही हैं, और प्राइस पूल होता है कुछ 175 टोटल। तो अगर आप किसी भी रेस पे क्लिक करोगे तो आप लाइव देख सकते हो कौन सा घोड़ा जीत रहा है। मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो यहां पे टोटल 12 घोड़ों की रेस होती है, एक एक करके सारे प्लेयर
प्लेयर्स रैंडमली ज्वाइन होते जाते हैं। सिर्फ यही है, 2D मॉडल के अंदर ही रेसिंग हो रही है, कोई 3D डेवलपमेंट अभी नहीं है, लेकिन 3D के प्लान्स हैं, वो मैं आगे आपको अभी दिखाता हूँ ये रेस के बाद। तो देखो यहाँ पे 12 जो पेगास हैं वो एनरोल्ड हो गए हैं इस रेस के लिए और इनकी रेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे देखो 2000 मीटर हो गया, 2500 मीटर हो गया, ये वाली जो रेस है ये 4000 मीटर की है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। अब जब तक ये रेस चल रही है तब तक आपको एक और ऐसी चीज बताता हूँ जो अभी तक इंडिया में आई ही नहीं है, वो है ओपिनियन ट्रेडिंग। US में बहुत टाइम से चल रही है लेकिन इंडिया में इसकी कोई भी कंपनी इसको लेके नहीं आ पाई थी, लेकिन अभी प्रोबो लेके आई है इसको इंडिया में। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आप अपने ओपिनियंस को ट्रेड कर सकते हो। यस, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या ही हो सकता है। स्पोर्ट्स हो, आपका एंटरटेनमेंट हो, या फिर आपका पॉलिटिक्स हो, फाइनेंस हो, कुछ भी चीज हो, हमारे ओपिनियंस रहते हैं कि आगे जाके ये हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं तो गलत बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूं। इन सारी चीजों को आप एक्चुअल में ट्रेड कर सकते हो इस ऐप के ऊपर। तो ऐप ओपन करोगे, आप कुछ कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि इंडियन क्रिकेट का है कि रोहित शर्मा क्या नेक्स्ट कैप्टन बनेंगे टेस्ट टीम के विराट कोहली के बाद। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है, तो मैं इसको येस कर दूंगा। तो ये कंबाइन करके एक उसको ट्रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर जैसे ये क्वेश्चन है कि विराट कोहली क्या एक सेंचुरी बनाएंगे फर्स्ट ODI वर्सेज वेस्ट इंडीज में, तो ये पूछेगा कि आप कितने रुपए ट्रेड करना चाहते हो। तो मतलब एक ट्रेड करोगे, दो ट्रेड करोगे, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल ट्रेड कर रहा हूँ, 7.5 रुपए लगाऊंगा। अगर मैं जीतूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल 10 रुपए मिलेंगे। मैंने एंटरटेनमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करी थी, तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि रांझना सॉन्ग जो है क्या वो 225 मिलियन व्यूज क्रॉस कर पाएगा 11 फरवरी को 1 बजे तक। और अब अगर 7 दिन में ये सही हो जाता है तो मुझे यहाँ पे 3 रुपए की विनिंग और मिल जाएगी और मेरे वॉलेट में यहाँ पे पैसे आ जाएंगे जिसको मैं इजिली विड्रॉ कर सकता हूँ। इस तरीके से हम अपने ओपिनियंस को एक्चुअल में ट्रेड कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट से हमारी इंटेलेक्ट भी बढ़ सकती है। तो चेकआउट करना ये प्रोबो ऐप, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और आप साइन अप कर लेना। 25 रुपए एब्सोल्युटली फ्री मिल रहे हैं आपको शुरुआत में ट्रेड करने के लिए। अगर आपके ओपिनियन सही बैठते जाएंगे तो आप और ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। और अब वापस गेम में चलते हैं क्योंकि रेस खत्म हो गई है। तो देखो ये आ गया, पर्ल ऑफ द सी को मिले हैं 105 वेस, और सेकंड आया था रियल डील, इसको मिले हैं 44 वेस, और जो थर्ड आया है इसको मिले हैं 26 वेस। काफी हद तक ये प्रोसेस अभी के लिए रैंडमाइज्ड है। अब क्या होता है कि पूरे दिन में हमको 20 रेसेस खेलने का ऑप्शन मिलता है, हम 20 रेसेस खेल सकते हैं, और 20 रेसेस में से आपका जितने भी घोड़े का विन परसेंटेज है 20% 25%, उस हिसाब से वो घोड़ा जीत जाएगा, आपको विनिंग्स मिलेंगी, और आप उस क्रिप्टो को अपने एक्चुअल कैश में कन्वर्ट कर सकते हो अपने वॉलेट के अंदर। अब ये जो विस है इसकी अगर प्राइसिंग देखें आज की मार्केट में, तो इसका प्राइस है $0.20 और दिन में 20 रेस लड़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि 5 जीत जाएगा, 6 जीत जाएगा अगर इसका विन परसेंटेज 20-25% के आसपास है तो। अब ये भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ही आए हर बार, कभी सेकंड भी आ सकता है, कभी थर्ड भी आ सकता है। तो 5 और 6 का एवरेज लेता हूं मैं अगर, तो अप्रोक्सीमेटली 80 विस के आसपास डेली का जनरेट हो सकता है अगर आप डेली 20 रेसेस को कंप्लीट करो तो। तो 80 विस मिल रहा है 5 बार, मतलब कि 400, और 400 विस का प्राइस है 20.20, तो अप्रोक्सीमेटली $80 डेली के जनरेट हो रहे हैं अगर आपके पास खुद का एक घोड़ा है तो। अगर आप इतने 1,40,000 रुपए के आसपास नहीं लगा सकते तो आप रेंटिंग पे भी जा सकते हो, जो कि एब्सोल्युटली इनबिल्ट है। अब बेसिकली यहाँ पे लोगों ने जिसने घोड़ा खरीदा हुआ है, अगर कोई बेसिकली वही स्कॉलरशिप मैनेजर वाला सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पे घोड़ा खरीद लेता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है डेली के 20 रेस गेम के ऊपर स्पेंड करने का, तो मैं यहाँ पे उसको रेंट आउट कर सकता हूँ। अगर कोई छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ी सी अर्निंग कर सकता है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है कि मैं 65 विस पे कर सकता हूँ, एक दिन के लिए मुझे घोड़ा मिल जाएगा। अब जितनी भी रेस मैं जीतूंगा उसमें से वो सारी विनिंग्स अकेले मेरी हो जाएंगी, तो ये एक रिस्क फैक्टर हो गया, जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, ये टोटली लक के ऊपर चलेगा। एक और ऑप्शन भी है इसके अंदर अगर आप देखो, तो वो है शेयर प्रॉफिट, जो अभी तक के दोनों मॉडल्स थे गेम खेलने के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लग रहा था, लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ प्रॉफिट आपको कम मिलेगा लेकिन आप गेम को खेल सकते हो। तो शेयर प्रॉफिट में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखाएगा। अब ये वो ऑप्शंस हैं, अगर मैं मैनेजर हूं, मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस हो जाए सिंपल सी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो परसेंटेज काफी कम है, सिर्फ 5-3% इस तरीके से यहाँ पे इतनी ही चलती है, मैक्सिमम 10% चलती है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि दो रीजन हैं। पहली चीज, कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको नहीं खेलनी होती अपने पेगा के साथ, एटलीस्ट इस लेवल पे गेम के। सिर्फ आपको क्लिक्स करना है, रेसें खेलनी है और रैंडमाइज तरीके से आप उसमें कॉइन्स अर्न बैक करते जा रहे हो। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, जिसने घोड़ा खरीदा हुआ है उसके 1,70,000 इतने एक्चुअल में रुपए लगे हुए हैं, तो इसीलिए उसका वहां पे उसको प्रॉफिट शेयरिंग काफी ज्यादा चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग एट अ टाइम इन पेगास को रेंट
रेंट करने के लिए बैठे हुए होते हैं कि काफी मुश्किल हो जाता है बहुत जल्दी क्विक कर, फ्लैश सेल से भी तेज चलता है ये सिस्टम, ऐसे समझ लो इसको। इसके अलावा अर्निंग का एक और मॉडल है ब्रीडिंग। अगर आप जैसे घोड़ा खरीदते हो उसके बाद आप घोड़ी खरीद सकते हो और उसके बाद उन दोनों को ब्रीड करा दो तो एक बच्चा निकलेगा, उस बच्चे को आप इस मार्केट प्लेस के ऊपर बेच सकते हो जो कि एक्चुअल में भी $1800 का बिक रहा है। अपना एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि जो मैंने करी थी कि अभी के लिए एक लोएस्ट प्राइस का जो घोड़ा है वो $1680 का मिल रहा है, बाकी के आप बोलोगे 1650 का भी है, 1500 का भी है। तो ये ऑक्शन है, ये टाइमिंग चल रही है ऊपर, ये ऑक्शन हो जाएगा, बिडिंग चलती रहेगी, जिसका ज़्यादा होगा उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। $1679 का हमको मिल रहा है। तो कितने दिन में हम ये पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों के मन में ये बात होगी, तो इस चीज़ को सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम इस घोड़े की देखते हैं अंदर डिटेल्स को, तो यहाँ का जो विन परसेंट का रेशो है वो 20% है, मतलब 20 रेसें दिन की मिल रही है उसमें से 20% रेसेस ये जीत रहा है। 20% रेस ऑफ 20 रेसेस का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 4 रेस। अब 4 रेस में जरूरी तो नहीं है कि हर बार फर्स्ट ही आ रहा है, कभी सेकंड भी आ सकता है, कभी थर्ड भी आ सकता है। तो एक एवरेज लेके चलते हैं 70 या 75 के आसपास मिल सकता है। अब 70 विस अगर मिल रहा है और 4 बार मिल रहा है तो इसका मतलब टोटल हो गया आपका 280 विस। और 280 विस की अगर आप प्राइसिंग देखो तो अभी का प्राइस है $20.20, तो 280 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका डेली का जो अर्निंग होगा वो $56 होगा और अभी का जो आस्किंग प्राइस है वो है $1679। अब 1679 को अगर आप डिवाइड कर लो $57 से तो अप्रोक्सीमेटली 29 days, तो 29 या 30 डेज के अंदर आपका ये पैसा पूरा रिकवरी हो जाएगा। लेकिन तब तक गेम का ग्राफ अगर और ऊपर जाता है तो आप और ज़्यादा जल्दी भी कमा सकते हो और इवन आपका जो ऑलरेडी खरीदा हुआ पैगा है उसका भी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर आप उसको रीसेल करने का सोचते हो, आप एग्जिट लेने का सोचते हो तो। अब ये चीजें और भी ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकती हैं क्योंकि VIS का प्राइस अभी 0.20 है लेकिन ये 25 तक होके आया हुआ है, तो ये एक काफी पोटेंशियल वाली चीज है जो लोग जिनको इन्वेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। व्हाइट पेपर में क्या होता है, इस गेम की पूरी कैसे काम कर रहा है, कोडिंग कैसे की गई है, कौन सी चीज़ किससे रिलेटेबल है, क्या क्या चीज़ें किन किन चीज़ों को इफेक्ट करेंगी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ पे आगे की सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं जैसे कि ये PGX है और इसके अलावा NFTs की तरफ चलें तो यहाँ पे सारे NFTs एक्सप्लेन करे हुए हैं, कौन से घोड़े का क्या सिस्टम है, रेयरिटी कितनी है, क्या सिस्टम है। इसके अलावा अगर आप ट्रैक्स और स्टेडियम्स का देखो तो आगे जाके ये पूरा 3D पे कन्वर्ट करने वाले हैं, अभी के लिए 2D पे चल रहा है, ये मॉडलिंग इनकी तैयार है यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा इस तरीके का आपको कुछ आगे चल के ये पेगा का गेमिंग देखने को मिल सकता है जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कोई एक रेसिंग गेम है जिसके अंदर अभी कुछ भागेगा और ये पूरा 3D मॉडल है। ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है आगे नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए। इसके अलावा गेयर्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं NFTs के फॉर्म में, आप अपने घोड़ों के लिए हेडवेयर, नीवेयर, चेस्टवेयर ये सब ले सकते हो। इन सब के अलग अलग अपने स्टैट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आप चेस्टवेयर लोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी लेकिन स्पीड जो है थोड़ी सी वो कम हो जाएगी क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फूड भी है, आगे चल के आपको ये मैकेनिकल फूड देखने को मिल सकता है, ये कुछ गाजर जैसा है और ये कुछ काफ़ी अल्ट्रा मॉडर्न कुछ खाना दिख रहा है। अब खाने के ऊपर भी इन्होंने सब सेट करा हुआ है कि ये ड्रैगन कैरेट नाम है जिसमें से 1% आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो विनिंग के चांसेस बढ़ेंगे तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी, तो आप इसमें फूड परचेज कर सकते हो। ये सारी पूरी इकोनॉमी इस तरीके से चलती रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी के लिए ये गेम सिर्फ रेसिंग के अराउंड में है, खाना पीना सब गेयर्स ये सब नेक्स्ट लेवल के इस गेम में आएगा और जब तक ये लेवल इसके बढ़ते जाएंगे तब तक आपके पेगास का प्राइस आसमान छुएगा, ऐसा मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है। और मेरी किसी भी बात को पत्थर की लकीर मत समझ लेना क्योंकि ये सब चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं होती हैं। लास्ट वीक तक जब $1000 का था, मैं इस चीज को ना 15 दिन से डेली इसके ऊपर देखता हूं कि क्या नए अपडेट्स हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, तो लास्ट वीक मैंने सोचा एक वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए और लास्ट वीक मैंने मन भी बना लिया कि भाई ठीक है अब 70-80 हज़ार रुपए जो इस NFT गेमिंग में लग रहे हैं वो मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूं, तो मैं करने वाला था इस, लेकिन उसके बाद YouTube की स्ट्राइक आ गई, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फिर थोड़ा मैं आउटिंग के लिए चला गया,
ये हाथ से निकल गई और अब मैं देख रहा हूँ कि प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो इस टाइम पे क्या एंट्री लेना सही रहेगा या नहीं, ये मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ। लेकिन आप बताओ, आपको क्या लगता है कि अगर आपको ऐसे रेंट पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके मिले या प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम पे आप करो, तो क्या आपको ये NFT गेम्स के अंदर वो दम बूम या फिर एक्चुअल में कुछ विजन दिखता है आगे चल के? क्या NFT गेमिंग कुछ एक्चुअल में बहुत लाइफ चेंज कर सकती है? क्या ओपिनियन है आपका इस पूरे सिस्टम के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरीके के और गेम्स के रिव्यूज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे एक एक थोड़ा थोड़ा करके इसको कवर किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं चीज़ें मेरे को। NFT की दुनिया हो गई ना, मतलब नेक्स्ट लेवल है ये, अभी की इकोनॉमी का नेक्स्ट लेवल है। जो अभी समझ जाएगा वो समझ जाएगा, जिसको विश्वास नहीं है वो कोई बात नहीं है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाओ तो उतना ही पैसा लगाना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो खोने का, घर पे कोई बात ना बिगड़ जाए, कोई काम ना आपका रुक जाए उस पैसे से। 100% होप मत लेके चलना कि आप एक्चुअल में पैसे कमा के ही निकलोगे। ये क्रिप्टो की दुनिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है, पैसे जा भी सकते हैं और आप मल्टी लेवल ऊपर भी जा सकते हो। और इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट ऑन द वे है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और डाउनलोड कर लेना प्रोमो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोबारा से याद दिला दिया। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, see ya।